इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में मुंह चिढ़ा रहे अवैध निर्माण अब निगम और जिला प्रशासन के निशाने पर हैं। मंगलवार को निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बोलाराम उस्ताद मार्ग पर मौजूद 3 अवैध हॉस्टल तोड़े। इनमें से एक हॉस्टल बनकर तैयार हो चुका था, उसमें 30 से ज्यादा कमरे थे, जबकि 2 हॉस्टलों का निर्माण जारी था। 3 मंजिला इन हॉस्टलों का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा था। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए भोलाराम उस्ताद मार्ग पर स्थित 3 अवैध हॉस्टलों को तोड़ दिया। इन्हें तोड़ने का काम सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। 3 पोकलेन मशीन और 100 से ज्यादा श्रमिकों ने अवैध हॉस्टल को 4 घंटे में जमींदोज कर दिया। इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। नगर निगम के निशाने पर अन्य निर्माणाधीन भवन भी है। 3 हॉस्टलों के अवैध निर्माण की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम ने हॉस्टल बना रहे जितेंद्र तलरेजा, हरप्रीत अरोरा, एपी गोस्वामी को नोटिस दिया था और स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था। नोटिस का तय समय बीत जाने के बाद मंगलवार को 3 हॉस्टलों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। मौके पर हॉस्टल बनाने वालों ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन अफसरों ने नक्शे के विपरीत हो रहे निर्माण का हवाला देकर अभियान जारी रखा। जिला प्रशासन ने यहां और भी कई अवैध निर्माण कर बनाए गए हॉस्टल को चिन्हित किया है। हॉस्टल पर कार्रवाई शुरू किया है और ये G+2 और G+3 के हॉस्टल बन रहे थे, लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में थे। इसमें एक कोई गौरव रोचलानी अरोरा और एक और कोई गोस्वामी है, उनकी ये बिल्डिंग्स हैं। नगर नियम से किसी तरह की कोई परमिशन उन्होंने नहीं ली थी, इसलिए हम मुझे आदेश मिलने पर आज सुबह हम लोगों ने 6 बजे से कार्रवाई शुरू किया है। नगर नियम के 150 लोग हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग भी पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से काम चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे मुझे आदेश प्राप्त होते हैं वैसे वैसे काम होगा। बिल्डिंग ऑफिसर बता पाएंगे, नगर नियम से कोई अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी तो अनियमितता यही थी, नगर नियम से किसी प्रकार की कोई परमिशन इन 3 हॉस्टल पर नहीं थी। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वानंद कॉलोनी भंवरकुआं क्षेत्र में 3 हॉस्टल जो कि अवैध रूप से बने हुए थे, इन पर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। ये 3 हॉस्टल लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पर बने हुए थे। ये चिन्हांकन की कार्रवाई जारी है। अभी लगभग 20 हॉस्टल्स को और आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई निरंतर जारी है। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा जो नवीन रूप से अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्टल्स है या नए बन रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी हमारा पहला फोकस जो नए बन रहे हैं उनको ना बनने दिया जाए उस पर पहले है, उसके बाद में जो पहले बन चुके हैं उन पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। वहीं हॉस्टल टूटते देख मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, इस कारण यातायात भी बाधित होता रहा। जबकि कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारी मौजूद थे, वहीं इस क्षेत्र में नगर निगम ने इससे पहले भी 2 अवैध हॉस्टलों को तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।